देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस महामारी से ठीक होने वालों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले एक महीने में कोरोना से रिकवरी रेट दोगुना हुआ है। फिलहाल भारत का रिकवरी रेट करीब 83% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 अगस्त तक 25,23,000 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए थे। एक महीने बाद यानी 28 अगस्त को रिकवर मरीजों की संख्या बढ़कर 50,16,000 तक पहुंच गई। 78% रिकवरी मामले देश के 10 राज्यों में हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और तेलंगाना। बिहार में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट 92.3% है। देश में सबसे ज्यादा 20% रिकवरी महाराष्ट्र से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 61,00,000 के पार हो गई। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70,589 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 61,45,291 पर पहुंच गई। राहत की बात यह है कि इस वायरस को मात देने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है और अब तक इस महामारी से 51,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं।